नमस्कार दोस्तों, अगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ई टेंडरिंग के रिलेटेड वीडियो आपके सामने हमेशा लेकर आता हूं। आज हमारा वीडियो में हम आपको बताएंगे PT PTR, जो PTEC और PTRC, ये दोनों सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते हैं। PTEC प्रोफेशनल टैक्स इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और PTRC प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों हम आज के इसमें डाउनलोड कैसे करते हैं पोर्टल से, वो मैं आपको आज बताऊंगा। और PTRC और PTEC में डिफरेंस क्या है। आपको सर्टिफिकेट निकालते वक्त आपको दोनों की जरूरत है या फिर कोई आप एक निकाल सकते हैं। तो PTRC जो रहता है बेसिकली टेंडर में, ऐसा यदि आप टेंडर गवर्नमेंट के टेंडर भर रहे तो दोनों ही निकालना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टेंडर्स में हमेशा PTRC और PTEC दोनों की रिक्वायरमेंट होती है और ये दोनों सर्टिफिकेट हमारा एक साथ ही निकलता है। और इसलिए पोर्टल में कोई चार्जेस आपको पे नहीं करता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ उनको ईयरली कॉम्प्लायंस जो भी है वो आपने को फीस का करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल टैक्स PTRC प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और PTEC प्रोफेशनल टैक्स इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, दोनों प्रोफेशनल टैक्स के लिए है। जो PTERC है वो जिसके कोई भी इम्प्लॉय का जो सैलरी से जो भी हम पैसा उनका डिडक्ट करते हैं वो हम जहां जमा करते हैं वो है PTRC। और PTEC जैसे आपका इंडिविजुअल कुछ है, जैसे आप डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, आर्किटेक्ट हो, तो ऐसे में आप सिंगल हो, आपके पास जो भी आपका कंपनी का आप ओनर हो, तो आपके नाम पे जो भी प्रोफेशनल टैक्स जमा करेंगे वो PTEC में होता है। बेसिकली जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का सर्टिफिकेट है तो आपके पास भी आपको PTEC कट हो, तो आपको वो जो पैसा है वो PTEC में जमा करना है। दोनों के लिए टैक्स डिडक्शन का है। और ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट उसके वेलफेयर फंड के लिए, जो आपका वेलफेयर फंड है वहां पे ये पैसा गवर्नमेंट यूज करती है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगता है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आपका बिजनेस का कोई प्रूफ, यदि आपका कंपनी पार्टनर है, डायरेक्टर है, तो आपका उसके लिए उसका प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, या प्रोप्राइटर है तो उनका रेसिडेंशियल प्रूफ, बिजनेस का प्रूफ, बैंक का एक कैंसिलेशन चेक और शॉप एक्ट सर्टिफिकेट, ये सभी चीजों की आपको यहाँ पे जरूरत होती है। और इनका जो डिडक्शन है ये डिपेंड करता है स्टेट बाय स्टेट, ये डिफर हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है अपना साइट पे, अपना लॉगिन कर लिया है, साइट है mahagst.gov.in। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे सभी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स पता चलता है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे आया वहां पे प्रिंट और प्रीव्यू, ऐसे आपके पास दो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस। प्रिंट एंड प्रीव्यू दो है, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था, PTRC PTEC। यदि आपने एक के लिए अप्लाई किया तो आपको एक का ऑप्शन आएगा। देखिए मुझे मेरा सर्टिफिकेट दिखना चालू हो गया। मैं इसको राइट क्लिक करके PDF फॉर्मेट में राइट क्लिक करके मैं आपको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। और सेम प्रोसेस हमारा दूसरा वाला, इसको क्लोज करेंगे और दूसरा भी मैं इसी प्रोसेस के साथ ऐसे ही डाउनलोड कर लूंगा।